लॉजिक गेट। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या है, इनके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी से नाम से ही पता चल रहा है, इनको बोलते हैं तर्क गेट। यानी कि कोई एक तर्क दे दिया हमने, तो उसके द्वारा हम इन गेट को तैयार कर सकते हैं। तो पहला क्या है, इस तरीके से इनको अगर हम समझे एक एग्जाम्पल की तरह, तो कोई भी चीज होती है तो उसका अगर हम निवेश करें कहीं से और उस पर कुछ प्रोसेस लगे, तो उसके बाद में हमें आउटपुट मिले। जैसे हमने 100 रुपए किसी बिजनेस में मान लो बैंक में जमा कर दिए, अब बैंक में हमें मान लो 2% का ब्याज मिला और बाहर हमें कितने मिलेंगे, 102 रुपए। तो यहाँ हमें क्या मिला, इंटरेस्ट ब्याज मिला इस पर 100 रुपए पे। तो ये तो था हमारा निवेशी और ये क्या था, निर्गत। ओके, अब हम बात करें किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें। पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारा गीजर होता है, गीजर में हम कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं, ठंडा पानी, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, वार्म वाटर मिल जाता है, गर्म पानी यहाँ पर हमें मिलता है। अंदर क्या चलता है, कुछ संक्रिया चलती है, कुछ प्रोसेस चलता है, कुछ ऑपरेशन चलता है। जैसे यहाँ पर वो कॉइल लगी होती है, उसमें करंट चलती है और करंट की वजह से वो गर्म होता है, ठंडा पानी उसके संपर्क में आता है, तो यहाँ पर गर्म पानी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर अंदर कुछ ऑपरेशन जैसा चल रहा है ये, ठीक है। अब इसी को डिजिटल में लेकर आए, तो डिजिटल में दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक होती है एक उच्च की स्थिति और एक होती है निम्न की स्थिति। उच्च का मतलब हाई, निम्न का मतलब लो। और डिजिटल जो सर्किट होते हैं या डिजिटल जो भी प्रोग्रामिंग होती है, वो किस पर होती है, बाइनरी नंबर्स पर होती है। तो बाइनरी नंबर एक 1 होता है, एक 0। तो उच्च को हम प्रदर्शित करते हैं 1 से और निम्न को प्रदर्शित करते हैं 0 से। अगर ये ही अगर तर्क हमारा मान लो किसी कथन से है, हम कहें कि आम मीठा है, आम मीठा है। अगर आम मीठा है तो 1 सत्य हो गया हमारा कथन, और अगर आम मीठा नहीं है तो 0 कैसा हो गया, असत्य हो गया। यानी कि बीच का नहीं होगा कि खट्टा मीठा है, कि 1.2 लगा दें या 0.5 लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो 1 या 0। ऐसे ही दूसरी हम बात करें कि मान लो ये एक रजिस्टर है, प्रतिरोध है, इसमें धारा चल रही है तो 1 और धारा नहीं चल रही है तो 0। यानी कि सर्किट ऑन है तो 1 और सर्किट ऑफ है तो कैसा, 0। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि विभव की, अगर इसका ये टर्मिनल है और हमारे पास दो ये सेल है, ये उच्च विभव पर है और ये कैसा है, निम्न विभव पर। अगर हम केवल ए टर्मिनल की बात करें, अगर ए इससे जुड़ा है तो उच्च पर है तो 1, और ए अगर इससे जुड़ गया तो निम्न पर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो ऐसे ही मान लो हमने कोई एक सर्किट तैयार किया, ये बहुत सारे प्रतिरोध, कैपेसिटर, कंडक्टर लगा के, और फाइनली उससे एक बल्ब जोड़ लिया हमने, और बल्ब जोड़ने के बाद यहाँ हमने कुछ करंट दे दी। अगर ये बल्ब जल रहा है हमारा, जल गया तो 1, और अगर नहीं जला तो 0। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये करंट की बात करें, तो इसका सर्किट अगर कहीं से टूट जाए, यानी खुला सर्किट, ओपन सर्किट, या खुली कुंजी, अगर यहाँ कुंजी लगी तो खुली कुंजी तो 0 और बंद कुंजी पर 1, क्योंकि जब कुंजी बंद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये होते हैं हमारे कुछ संक्रियाएं होंगी जो हम लगाएंगे लॉजिक गेट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन लगाकर सिस्टम तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर हमने सिस्टम गीजर का तैयार किया था, अगर हम डिजिटली 0 और 1 की फॉर्म में कुछ करें, तो उसके लिए हम डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे कुछ यूज करके सर्किट को तैयार करते हैं। तो ये जो उच्च और निम्न है, अगर ये मिलते हैं तो इनके लिए कुछ टर्म्स हैं वो हमें याद रखनी होंगी। 0 और 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो 0, 1 और 0 को 1, अगर हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और अगर हम 0 और 0 की मल्टीप्लाई करके देंगे तो 0, और 1 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये सिंगल,
अब यहाँ 1 over 1 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये किसमें चलता है, बाइनरी में, और बाइनरी में 2 होगा, होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बात करें ये लॉजिक गेट की, तो फर्स्ट लॉजिक गेट जो है हमारे पास वो है और गेट। अब देखो और गेट इसको क्यों बोला गया, उन्होंने कहा कोई निवेशी लिया, ये निवेशी है कोई, इस पर एक ऐसे सिस्टम में डाला गया जहां और संक्रिय चल रही थी, और प्रोग्रामिंग कुछ और सिस्टम तैयार कर लिया था जहां डिजिटल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, किसी से भी मिला के इसको और ऐसा तैयार किया गया कि यहाँ कुछ जो आउटपुट देगा उसको हम निवेशी का और बोलेंगे। तो यहाँ पर जो निकला वो क्या था, निर्गत था। अब किसी ने पूछा भाई तुमने और संक्रिया कैसे तैयार करी, क्या है ये और संक्रिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने दो, ये एक बल्ब है मेरे पास और इस बल्ब को मुझे जलाना है, बल्ब को क्या करना है, जलाना है, और यहाँ पर मैंने इसके साथ एक सेल जोड़ दिया है, मान लो 10 वोल्ट का सेल जोड़ रखा है। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं चाहूँ तब ये जले और जब ना चाहूँ तब ना जले। तो उसने क्या काम किया, यहाँ पर 2 कुंजी लगा दी, ये ऐसे, एक ए और एक बी। अब देखो उन्होंने कहा यहाँ निवेशी कितने हैं, 2, जैसे यहाँ 100 रुपए निवेश किए थे, यहाँ पर को पानी निवेश किया था, तो उसने क्या काम किया, यहाँ 10 वोल्ट निवेश किए हैं और 10 वोल्ट से यहाँ क्या होगा, करंट चलेगी। अब उसने 10 को 2 भागों में विभाजित कर लिया, ए और बी में, इधर ये उसके निवेशी हैं, अगर ये नहीं लगा होता तो फिर सीधे तार से जुड़ा होता, बल्ब जल जाता, लेकिन उसने अपने लिए एक संक्रिया तैयार की और तो उसने ये सिस्टम यहाँ पर ये तैयार कर लिया। अब उसने क्या क्या बोला कि ये ए है, अगर ए ओपन है, कुंजी कैसी है, ओपन है, तो A 0 हो गया, ओपन ओपन की वजह से यहाँ से करंट तो पास हो नहीं सकती, करंट यहाँ चलेगी, यहाँ पास में सर्किट टूटा हुआ है, करंट नहीं जाएगी। B ओपन है तो कैसा है, 0, तो क्या बल्ब जलेगा, तो भाई बल्ब तो अब यहाँ से करंट जाएगी, इसमें से भी पास नहीं हो पाई, इसमें से भी पास नहीं हो पाई, तो ये नहीं जलेगा, तो ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर दूसरा A इक्वल टू, उन्होंने ए को कैसा रखा, 1 रखा, ओपन रखा, तो ए को 0 पर रखा, 0 का मतलब ओपन सर्किट, फिर बी को उन्होंने बंद कर दिया ऐसे। अब देखो करंट यहाँ से चली, ये रास्ता तो उसका क्लोज है, यहाँ पर टूटा हुआ परिपथ नहीं, लेकिन करंट यहाँ से तो पास होके इसको बल्ब को जला देगी, तो वाई इक्वल टू कैसा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या किया, बी को 0 पर रख दिया और ए को कैसे रख दिया, 1 पर, तो ए को तो बंद कर दिया और बी यहाँ से तोड़ दिया, तो करंट यहाँ से जाएगी, अब बी से तो पास नहीं हो सकती क्योंकि ये टूट गया है, लेकिन ए से पास हो जाएगी करंट यहाँ से, तो बल्ब जल जाएगा। तो बाई यानी कि जो आउटपुट है, जो उन्होंने बाई लिखा है वो ये है। तो उन्होंने कहा आप दोनों को बंद कर दो, तो जब A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1 है तो यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ 2 भागों में विभाजित दोनों से होके करंट इधर पूरी पहुंच जाएगी और बल्ब कैसा हो जाएगा, जल जाएगा, तो Y इक्वल टू 1। उन्होंने बोला कि मैंने इस संक्रिया को नाम दिया है और, तो उन्होंने कहा कैसे और क्या मतलब समझाओ, तो उन्होंने एक डिब्बा बनाया, यहाँ ऊपर लगाई, ऊपर एक लेवल लगा दिया और का, ये ए और ये बी, और यहाँ से एक आउटपुट निकाल दिया उन्होंने, और आउटपुट पे उन्होंने क्या लिखा, मैंने ए को और संक्रिया लगाया, ए और बी के बीच में कौन सी संक्रिया लगाई, और, तो उन्होंने कहा ये लिखने में और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो उन्होंने बाइनरी का यूज किया, तो उन्होंने देखा कि क्या सिस्टम बन रहा है इनमें, इनपुट और आउटपुट में, तो 0+0 0, 0+1 1, 0+1 1 1+1 1, तो उन्होंने कहा और पे प्लस काम कर रहा है, तो फाइनली उन्होंने इसको और को रिप्लेस कर दिया प्लस से। तो इसीलिए और गेट के बीच में जो निवेशी होते हैं उनको अगर और संक्रिया लगाई जाती है तो उनके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, प्लस, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो और गेट पहला है हमारा, और गेट, और गेट में क्या है, जब किसी निवेशी पर
परिभाषा लिखेंगे और गेट की, तो क्या लिखेंगे, जब किसी निवेशी पर और संक्रिया लगाकर, और संक्रिया लगाकर आउटपुट यानी कि निर्गत प्राप्त करते हैं तब उसे और गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और गेट। अब उन्होंने कहा कि जो जैसे हम प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं, करंट के लिए ऐसे तीर लगा देते हैं, सेल के लिए ऐसे दर्शाते हैं, तो उन्होंने कहा और गेट का सिंबल कैसा बनाना चाहिए, सोचा कुछ, तो उन्होंने और गेट को ऐसा बना दिया। जिसने भी ये तैयार किया था उन्होंने और गेट को ऐसा बना दिया। ये इसके हो गए निवेशी ए और बी। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन सब हमने छोटा सा दो ले लिया तो ये आउटपुट हो गया इसका। ये हो गए निवेशी और ये निर्गत, इसको बाई से प्रदर्शित कर दिया। अब इसके लिए उन्होंने जितनी स्थितियां बनती हैं उन्होंने कहा उनके लिए टेबल में बना दो, तो उसके लिए बोला गया सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। तो सत्यता सारणी इसकी कैसे बनाई उन्होंने, पहले लिया निवेशी के लिए, ये निवेशी और ये थे निर्गत। निवेशी कौन कौन है, ए है, बी है, निर्गत है बाई। उन्होंने कहा निवेशी की कौन कौन सी स्थितियां थी, ये निम्न पर हो सकता है और ये निम्न पर हो सकता है, ठीक है, ये निम्न स्थिति में हो सकता है जीरो पर, और ये उच्च पर हो सकता है वन पर। उन्होंने कहा इनको उल्टा पलटी कर दो, ए को उच्च पर ले आओ, इसको जीरो पर ला दो। उन्होंने कहा ऐसा कर लो, अब दोनों वन वन, जो मैक्सिमम स्थितियां हैं ये हो सकती हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या हो रहा था, जब दोनों जीरो जीरो थे तो बल्ब नहीं जल रहा था, जीरो वन थे तो बल्ब जल रहा था, वन जीरो थे तब भी बल्ब जल रहा था, वन वन थे तब भी बल्ब जल रहा था। अब देखो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन, तो उन्होंने बाई को लिख दिया ए प्लस बी, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे ए प्लस बी। ये जो सूत्र जो व्यंजक आया इसको बोलते हैं बूलियन व्यंजक। किसी ये इसी गेट का नहीं, किसी भी गेट का, और गेट का बूलियन व्यंजक क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। ऐसे ही और गेट, अदर गेट पढ़ेंगे हम तो उनके लिए भी और दूसरे व्यंजक आएंगे। अब इसके लिए तरंग रूप उन्होंने देखा, क्या देखा, तरंग रूप। तो तरंग रूप के लिए जो डिजिटल में तरंग रूप खींचते हैं, तो उसके लिए तरंग रूप के लिए क्या बोला उन्होंने, ये नाम दे दिया उन्होंने T1, ये T2, T3, समय, T4, T5, T6। अब उन्होंने कहा ए के लिए खींचो पहले तरंग रूप, तो ए है जीरो की स्थिति में है ए पहले, फिर ए कैसा है, जीरो है इतने समय के लिए, फिर ए कैसा हो गया, उच्च हो गया, वन ऊपर बढ़ गया, फिर ए कैसा हो गया, बढ़ गया। तो ये इसकी स्थिति है, आगे भी टाइम के साथ बढ़ सकता है ये कुछ कुछ समय बाद, लेकिन हमने जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है, मिनिमम पॉसिबिलिटी हमेशा 2 की पावर n होगी। n है निवेशी, अगर दो निवेशी हैं तो चार, तीन निवेशी हैं तो आठ बनेगी। ऐसे ही एक अगर निवेशी होता तो केवल दो स्थितियां बनती, जीरो और वन की। तो अब ये तो है ए का सिग्नल, ए का सिग्नल ऐसा है। अब बी का सिग्नल, बी पहले कैसा है, जीरो है, तो पहले जो बनाएंगे हम उसको रेफरेंस मान लेंगे जीरो, फिर ऊपर नीचे उससे कर देंगे। फिर बी कैसा है, अप हो गया ऊपर, फिर बी कैसा हो गया, अगले वाले के लिए डाउन में आ गया बी, और अगले वाले के लिए बी कैसा हो गया, अप, ये बी हो गया, ये जीरो है और ये वन, इसका यहाँ पर ये वन की स्थिति है, ऊपर वन और यहाँ पर लिख दो वन जीरो। अच्छा अब निर्गत के लिए, निर्गत पहले कैसा है, जीरो बाई, ये पहले जीरो, फिर ये अप हो गया, ओके, अगले वाले स्टेप में अप हो गया, अगले वाले स्टेप में अप हो गया, तो ये तरंग रूप हो गया इसका। ये यहाँ पर स्थिति कौन सी है इसकी, वन की। तो ये कब कब हाई है, दोनों, इन दोनों में से एक बार भी अगर कोई हाई हो गया तो ये हाई है। देखो यहाँ पर बी हाई था, यहाँ पर ए हाई है, और यहाँ पर तो खैर दोनों हाई है, बन की स्थिति में है ये ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया तरंग रूप और गेट का।
ऐसे ही दूसरा गेट है हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या है? जब निवेशी पर, मान लो दो निवेशी हैं हमारे पास, इन पर हमने एंड संक्रिया लगा के आउटपुट लिया तो ये एंड गेट कहलाएगा। अब एंड गेट का जो सिंबल बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाते हैं, ये ए, ये बी, ये निर्गत। अब एंड गेट के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए बूलियन व्यंजक वही बताओ कैसे होगा, तो उन्होंने क्या काम किया, जो प्लग वहां लगाए थे उनको थोड़ा बदल दिया, ये बल्ब लगाया, यहाँ पर एक सेल लगा दिया और एक कुंजी ए ली और एक कुंजी ली बी, ओके, और ये निर्गत, ये ए कुंजी। अब देखो इसकी सत्यता सारणी को लगे हाथ बना लेते हैं, ये ए, ये बी और ये बाई। पहले दोनों ओपन है, ए जीरो पर है, बी जीरो पर है, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ए को हमने ओपन रहने दिया, बी को बंद कर दिया वन, तो क्या बल्ब जलेगा? यहां से करंट चलेगी, बीच में सर्किट टूटा है, आगे पहुंच ही नहीं पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा। ए को बंद कर दिया और ये सर्किट यहां से टूटा रहने दिया, यानी ए को वन और बी को जीरो, यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? जीरो पर। अगर हम दोनों को बंद कर दें, यानी कि दोनों को वन वन पर ले आए, तो यहाँ से करंट का फ्लो हो जाएगा और बल्ब कैसा हो जाएगा? जल जाएगा। अब उन्होंने कहा तो ये हो गया, ए के ऊपर कौन सी संक्रिया लगाई गई? एंड संक्रिया। ए और बी के बीच में कौन सी संक्रिया लगी है? एंड संक्रिया। उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है ये निवेशी से निर्गत। अब ये निवेशी से निर्गत जब मिल रहा है तो उन्होंने कहा एंड, जैसे और के लिए प्लस यूज किया तो उन्होंने इसके लिए बोला कि कुछ और देखो, तो क्या मिल रहा था? जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो जीरो की वन से मल्टीप्लाई जीरो, जी वन की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, वन और वन की मल्टीप्लाई जीरो, तो उन्होंने क्यों कह दिया ये बढ़िया तरीका है, इसको मल्टीप्लाई से शो कर दो डॉट से, तो ये हो जाएगा ए एंड बी। पढ़े पढ़ते तो इसे ए एंड बी है, लेकिन वास्तव में ये संक्रिया कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन की जैसी संक्रिया है। तो ये तो हो गई इसकी ट्रुथ टेबल, तो बाई इक्वल टू ए एंड बी, ये हो गया इसका बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। और इसके लिए अगर हम जो इसका वेव फॉर्म है, तरंग रूप, वो खींचेंगे तो ये T1, T2, T3, T4, T5, पहले ए के लिए, तो ए पहले जीरो पर है, फिर जीरो पर रहा, फिर वन हो गया और फिर वन हो गया ये। अब बी के लिए जीरो पर है, फिर वन हो गया, फिर जीरो पर आ गया और फिर वन हो गया, जीरो और वन, ये किसके लिए था? बी के लिए। अब इसके लिए बाई के लिए, बाई पहले जीरो पर है, फिर जीरो पर है, फिर जीरो पर है, अब कैसा हो गया? वन, ये जीरो ये वन, ये किसके लिए? बाई के लिए। तो ये हो गया इसका तरंग रूप। हम ट्रुथ टेबल बना के इनका तरंग रूप यहाँ बना सकते हैं। अगर हमें तरंग रूप दिया हुआ है तो ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। कैसे? अगर देखो मान लो ये हमारे पास नहीं लिखे हुए हैं, तो ए को देखेंगे, ए पहले कैसा है? जीरो, फिर ए कैसा हुआ है? जीरो, फिर ए कैसा हुआ है? वन, फिर ए कैसा हुआ है? वन ऊपर। अब बी के लिए देखेंगे, बी पहले कैसा है? जीरो, बी फिर कैसा हो गया अगले वाले हिस्से में, ये वाले खाने पड़ते हैं, खानों में कैसा है ये, फिर वन, फिर ये कैसा हो गया? ऊपर था, अब इस वाले खाने में नीचे आ गई इसकी लाइन तो जीरो, अब इस वाले खाने में फिर ऊपर पहुंच गई तो ये, इसमें देखेंगे ये यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ कैसा हो गया? वन, तो यहाँ ये हम बना देंगे। तो ये तो था हमारा एंड गेट। अगला है हमारा नॉट गेट। ये क्या है? जब हम किसी भी निवेशी पर, ये निवेशी है और यहाँ पर हम नॉट संक्रिया लगाएं, कौन सी संक्रिया? नॉट, और यहाँ पर निर्गत ले लें, तो ये कैसा कहलाएगा? नॉट गेट। इसका सिंबल होता है ये, मान लो
ए निवेशी है, बाई निर्गत है। अब ध्यान रखना, ये सिंगल इनपुट होता है, इसमें जो निवेशी होता है वो कैसा होता है, सिंगल नॉट में, और बाकी उनमें दो थे और उनमें एक भी हो सकता है, लेकिन नॉट में हमेशा कैसा रहेगा, एक रहेगा। निवेशी नॉट में हमेशा कैसा रहेगा, सिंगल निवेशी, और बाकी जो उधर थे उनमें एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये और गेट था, इसमें ए बी सी तीन हो सकते हैं, तो इसका बाई इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी और गेट का, ठीक है। ऐसे ही एंड में तो वो कितना होगा, ए डॉट बी डॉट सी। ये अब इसमें देखो ये के कैसे थे, किस तरीके से बनता है, उन्होंने कहा इसकी प्रक्रिया समझाओ जरा। तो ये बल्ब और ये यहाँ पर लगा के एक कुंडी ऐसे लगा दी गई, ये कोई प्रतिरोध यहाँ लगा दिया गया। अब देखो इसकी टेबल बना लेते हैं, इसमें देखो कितने निवेशी कितना है, एक है, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 1 बराबर 2 निवेशी आएंगे। निवेश जो यहाँ पर रो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 2। तो ये ए है और ये बाई है, ए की जब ये प्लग ए खुला हुआ है तब देखो करंट यहाँ से चलेगी, इस तार से होके जाएगी यहाँ से, और बल्ब कैसा हो जाएगा, चल जाएगा। तो ए 0 है तो बी कैसा है, 1। ए को बंद कर दिया, ए को बंद पे ले आए, करंट यहाँ से चली जाएगी और करंट फिर इधर आ जाएगी कुछ, क्योंकि ये कैसा है, परिपथ बंद। अब इसके लिए ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी पहले करंट के लिए पूरा परिपथ ये था, अब ये बीच में दो तार मिल गए एक तरीके से। जैसे मान लो हमारे घर में दो लाइन जा रही होती हैं और बीच में कोई तार इस पे जुड़ जाए तो ये शॉर्ट सर्किट कर देता है, यानी इसका करंट अचानक से इधर आ जाता है सारा का सारा करंट, और इधर नहीं पहुंचता। तो ये यहाँ पर बहुत तेजी से करंट इस पूरा का पूरा इसमें फ्लो हो जाएगा। तो जब इसको करंट नहीं मिलेगी पूरी तो ये कैसा हो जाएगा, 0 पर, बल्ब नहीं जलेगा। अब इसके लिए ये तो ना तो प्लस बनना है ना माइनस बनना है, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कैसे लिखा जाए, तो उन्होंने कहा ए पर क्या संक्रिया लगाई है, नॉट, तो इसके लिए ए नॉट बोलो। अब नॉट के लिए कैसे दर्शाया जाए, तो इसके लिए दर्शा दिया गया इसके ऊपर बार लगाकर, ये दर्शाता है नॉट के लिए। तो 0 का उल्टा नॉट 1 और 1 का 0, तो इसको हमें याद भी रखना पड़ेगा, 1 का नॉट कैसा होता है, 0, और 0 का नॉट कैसा होता है, 1। ओके, ये अब कुछ होते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कुछ होते हैं, तो उनमें सबसे पहले है नैंड गेट। कौन सा है, नैंड गेट। नैंड गेट क्या कहता है, नाम से पता चल रहा है, ये तो है एंड और उसके आगे एन यानी कि नॉट। तो जब एंड गेट पर, एंड गेट के निर्गत पर नॉट संक्रिया लगाई जाती है, लगाने पर नैंड गेट बनता है, ठीक है। तो ये है हमारा एंड गेट, इसके ये इनपुट है ए और बी, ये इसका आउटपुट है। अब इसका आउटपुट मिला बाई बराबर कैसा होगा, ए डॉट बी। अब ये जो ए बी है इस पर, इसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया जाए, इसको किससे जोड़ दें, नॉट गेट से, ये नॉट गेट से इसको जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, इसको वैसे लगा दूँ, यहाँ पर जो मान लो बाई डैश मिला वो कितना होगा, बाई का, अब यहाँ नॉट गेट के लिए जो इनपुट है वो कौन है, बाई है, ये ऐसा बन गया कि एक नॉट गेट है और उसके लिए कौन सा मिल रहा है, बाई मिल रहा है। तो इसको जो मिलता है नॉट, उसके ऊपर क्या लगा देता है, बार लगा देता है, तो ये क्या मिलेगा, ये तो बाई इक्वल टू, बाई डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी। तो ये हो गया नॉट गेट, क्या हो गया, नॉट गेट। ओके, अब ये वो सॉरी नैंड गेट।
अब इस नैंड गेट की अगर हम सत्यता सारणी देखें, नैंड गेट की क्या देखें, सत्यता सारणी, तो देखो कैसी मिलेगी सत्यता सारणी। पहले कौन है, ए और बी, ए और बी दो ही हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए 0 हो सकता है, मतलब वही लिख लेते हैं। देखो जितने कितने हैं, 2 हैं, इसको जल्दी से भरने का तरीका बता देता हूँ। 2 की घात 2 कितने हो गए, 4, 4 को 2 भागों में विभाजित कर लो, कितने बचे, 2, 2 बार ऊपर 0 पहले वाले में, और फिर 1 1, फिर इसमें फिर एक एक के अंदर से 0 1 0 1। अगर यहाँ 3 होते ना तो हो जाता 8, 8 का मतलब ए बी सी, ए बी सी को अगर हम, मैं यहाँ ए बी सी का बना दूं, ए बी सी 8 हो गए, तो 4 0 इसके, 1 2 3 4, 4 1, फिर 4 के बाद 2 का अंतर, 2 0 2 1 नीचे, फिर 2 0 2 1, फिर 1 1 का अंतर, 0 1 0 1 0 1, तो ये सारी पॉसिबिलिटी आ जाती है यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 थे, 2 की घात 2 4 होता है, तो 4 को आधा किया तो 0 0, फिर 1 1, फिर 0 1 0 1। अब देखो पहले मिला यहाँ पर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी 0.00001, ये तो यहाँ तक तो सिंपल एंड गेट था। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाया, ए डॉट बी का बार, तो 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1 और 1 का बार 0, ये हो गई इसकी हमारी ट्रुथ टेबल। इसके 0 के ऊपर लगाएंगे बार तो इसका 1 हो जाएगा, 0 का बार 1, 0 का नॉट 1, नॉट बोलो बार बोलो या कॉम्प्लीमेंट, कई चीजें होती हैं, बार बोल सकते हैं, नॉट बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। अब एक्चुअल में जो बाई है वो फाइनल वाले के लिए लिया जाता है, तो उससे पहले जो आते हैं उनके लिए बाई डैश बोल दिया था है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ये ए बी, यहाँ बाई डैश मिला, वो क्या देगा, ए डॉट बी, इसको हमने नॉट से जोड़ दिया, तो फाइनली ये बाई देगा, वो क्या होगा, बाई डैश का बार, यानी कि ए डॉट बी का बार। इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया जाता है कैसे, ये तो था एंड गेट, ये ए और बी, इसके आगे एक बड़ा बबल लगाया जाता है, ये देख, ये जो टर्मिनल होते हैं ये छोटे बबल वाले होते हैं, ये ध्यान रखना, और नॉट गेट को दर्शाने वाला बबल बड़ा होता है, ये कौन सा हो गया, फाइनली बाई, ए डॉट बी का बार, ये हो गया नैंड गेट, नैंड गेट। ओके, अब इनकी देखो तरंग रूप बनाएंगे, तरंग रूप भी खींचा जा सकता है इसका, ये T1 T2 T3, ये टाइम इंटरवल है, Δt1 Δt2 Δt3, ए के लिए 0 फिर 0 फिर 1 हो गया, ए फिर 1 हो गया, ये हो गया ए 0 और 1। बी के लिए 0 फिर 1 हो गया, फिर 0 फिर 1 हो गया, ये 0 ये 1 बी के लिए, बीच में ये नहीं खींचनी है क्योंकि एंड गेट का फाइनली तो ये है ना, तो ये पहले है 1 फिर 1 फिर 1 और फिर कैसा हो गया 0, तो ये 1 और यहाँ 0, ये क्या था, ए डॉट बी का बार, बाई बराबर, सिंपल। फिर है हमारा और गेट, वो सॉरी नॉर गेट, नाम से पता चल रहा है कि और गेट के आगे नॉट संक्रिया लगानी है, तो और गेट के निर्गत पर नॉट संक्रिया लगाकर इसको बनाया जाता है, तो और गेट हमारा ये है, ये बी, इसका निर्गत यहां मिला, मान लो इसको नाम दे दिया हमने बाई डैश, ये कितना होगा A+B, इसके आगे हमने एक, इसका जो बाई डैश यहाँ निकल रहा है तार में, इसको हमने कैसे जोड़ दिया, नॉट गेट से, ये नॉट गेट से यहाँ पर, तो ये जो बाई है फाइनली ये बाई डैश को नॉट कर देगा, यानी इसका उल्टा कर देगा, बार लगा देगा, तो ये हो गया A+B का बार। इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं लगे हाथ,
ये बी, 0011, 0101। ये देखो यहाँ पर पहले ए प्लस बी मिलेगा, पहले ए प्लस बी का बना दो बच्चा। तो 0 प्लस 0 जीरो, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। इसके ऊपर बार लगाना है, तो 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 1 का बार 0, ये फाइनली हो गई ये। और ये है इसके बूलियन व्यंजक इसका ये। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। ये था और गेट, ये इसके दो निवेशी, और ये और गेट के आगे क्या लगा है, नॉट गेट। तो ये बड़ा सा बबल थोड़ा, और ये वहां पर बाई बराबर ए प्लस बी का बार। अगर इसकी हम तरंग रूप खींचे तो देखो ये ए पहले 0 फिर 0 फिर 1 और फिर 1। ये ए बी के लिए 0101 बी आउटपुट। ये बीच वाली नहीं बनाएंगे, लास्ट वाली बनाएंगे, ये ऊपर नीचे नीचे नीचे, ये 1 ये 0, ये हो गया बाई बराबर ए प्लस बी का बार। ये थे हमारा नॉर गेट। ये होता है हमारा एग्स और गेट। इसको पढ़ने से पहले एक चीज बता देते हैं, डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर प्रमेय। तो डिमाइवर प्रमेय में ये याद रखना है, जैसे ये ए प्लस बी का बार है तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और अगर ए डॉट बी का बार है, वो सॉरी यहाँ डॉट लग जाएगा ये, ठीक है, अलग अलग। अगर ये है ए डॉट बी का बार तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। अब देखो इसमें ये ए प्लस बी का बार नॉर गेट आया था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बार डॉट बी बार। ओके, तो इसका ये जो बूलियन व्यंजक है वो ये भी कहलाया जा सकता है। अब ये नहीं है ए डॉट बी पूरे का बार, ए बार अलग है, डॉट बी बार अलग है। ऐसे ही इसमें नैंड गेट में आया था बाई बराबर ए डॉट बी पूरे का बार, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बार प्लस बी बार। ओके अच्छा, दूसरी चीज ए का बार, ये नॉट होगा, इसके ऊपर एक और बार लगा दें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और ये कैसा आ जाता है, पूरा वही आ जाता है। ऐसे ही बी के ऊपर अगर दो लगे हैं तो ये बी आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर ए डॉट बी के ऊपर दो लगे हैं ये, तो ये ए बी आ जाएगा, ये वही है। जैसे एक ये नॉट गेट है, नॉट गेट में मान लो यहाँ बंद दिया तो यहाँ बाई बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि एक का बार ये होता है ना बाई बराबर ए का बार, तो बन के 0 दिया। अब इसको इसके आगे एक नॉट गेट और लगा दो तो ये 0 का बार कर देगा, तो 1, तो जो दिया था वही आ गया। यानी ए को पहले यहाँ पर ये आया ए बार, और यहाँ पर ए के ऊपर उसने ए बार के ऊपर एक बार और लगा दिया, तो ये जो बन लिया था वो पहले 0 में कन्वर्ट हुआ, और फिर 0 से वापस किसमें हो गया, 1 में। अगर यहाँ 0 लेते तो 0 से यहाँ 1 में कन्वर्ट होता नॉट के द्वारा, और 1 से यहाँ 0 में कन्वर्ट हो जाता फिर। तो ये इस तरीके से डिमाइवर थ्योरम के ये दो फार्मूले हैं, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने एक्स और गेट पे। एक्स और गेट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेट है, तो इसमें अब जैसे हम ए और बी ऐसे बनाते हैं, ए और बी हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए और बी। जैसे मैं पहले एक उसका बना के दिखा देता हूँ, मान लो किसका, नैंड गेट का, नैंड गेट ये है पूरा चैनल ए और ये है पूरा चैनल बी। इसको अगर किसी से जोड़ेंगे तो उसे ए मिलेगा। अब ए कैसा है, वो 0 है तो उसे 0 मिल जाएगा, और अगर 1 है तो उसे 1 मिलेगा। ए और बी को एंड गेट से जोड़ा जाता है, ये एंड गेट, ए को जोड़ दिया
यहां से ला के ऐसे, ये बी को जोड़ दिया, तो इसको अभी ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, इसके आगे नॉट गेट लगा दिया यहाँ पर, तो ये वाई बराबर ए डॉट बी का बार ये दे देगा। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम मान लो क्या काम करें, इसके यहां तक आए और यहां पर एक नॉट गेट लगा दें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इससे आगे जो चीज आएगी वो बी का बार आएगा। अगर हम यहां से एक तार ले जाके यहां जोड़ें, तो अब इसे देखो, यहां से ए मिला, यहां से बी मिला, और यहां से क्या मिला, बी का बार, यहां से क्या मिला, बी का बार। अब देखो ऐसी जब टर्म आए, ए प्लस ए बार, ये हमेशा वन होगा, ए प्लस ए बार हमेशा वन। कैसे, मान लो ए बराबर जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो का बार तो बराबर जीरो, और जीरो का बार कैसा होगा, वन, तो ये वन आ गया। तो ए प्लस ए बार हमेशा कैसा रहेगा, वन। ए डॉट ए बार हमेशा ये कैसा रहेगा, जीरो। देखो अगर ए की वैल्यू जीरो है, तो डॉट और जीरो का बार बराबर जीरो वन, तो कितना हो गया, जीरो। अगर ए की जगह मान लो वन होता, तो वन और वन का बार बराबर वन डॉट जीरो, तो कितना हो जाएगा, जीरो। तब भी तो ये दो फार्मूले भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो ए बी डॉट बी बार, डॉट बी बार, यहाँ पर अगर ये एक ऐसा ही एक गेट मिल जाता बना हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा, बाई, तो देखो क्या आता, बाई बराबर बी डॉट बी बार, पहले तो इन दोनों के बीच में एंड लगेगा, तो बी डॉट बी बार कितना हो जाता, जीरो। तो बाई बराबर ए, ये होता है ना, बाई बराबर ए डॉट बी, तो देखो बाई बराबर ए डॉट बी डॉट बी, ये आता। अब बी डॉट बी कितना होता है, जीरो, तो ए का जीरो से करेंगे तो फिर कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका आउटपुट हमेशा कैसा आएगा, जीरो। तो इसको कैसे भी जोड़ा जा सकता है, बस हमें ये देखना है कि हमारे गेट के लिए क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हम एक्सोर गेट बनाते हैं अपना, एक्स और गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट, ऐसा भी लिखा होता है ये कभी कभी, एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट में क्या होता है कि दो होते हैं एंड गेट, पहली चीज दो होते हैं एंड गेट। अब इन एंड गेट के लिए, इसके लिए दो निवेशी चाहिए और इसके लिए भी दो निवेशी चाहिए, इससे निर्गत निकलेगा, और इससे निर्गत निकलने वाले को जोड़ दिया जाता है और गेट से। ओके, इसका मान लो बाई वन है और इसका कितना है, बाई टू है। ओके, और ये फाइनली बाई मिलेगा, वो तो होगा ही बाई वन प्लस बाई टू। अब देखो इनको जो निवेशी और निर्गत दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, अब इसको बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। कैसे, इसको ए और इसको दिया बी नॉट, बी के आगे नॉट लगाकर। अब देखो इसको यहां पर ए दिया, लेकिन वो कैसा दिया, नॉट लगाकर, और इसको बी यहाँ दे दिया इसको। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाएं इसी गेट को, तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। थोड़ा सा अगर हम सोच लें कि डिजाइनिंग में, तो इसका आउटपुट तो यहाँ देना होता है और इसका आउटपुट यहाँ देना होता है, ये बाई बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसका ए दे दिया और इसको बी दे दिया, बढ़िया से। ठीक है, अच्छा अब क्या काम किया, इसके बी से इसको दूसरा देना है ना, तो क्या काम करेंगे, इसके बी से ले जाकर यहाँ पर एक नॉट गेट के साथ में इसे यहाँ देंगे।
तो देखो इसको एक तो ए मिल रहा है और एक यहाँ वाली चीज मिल रही है, वो क्या है, बी बार। ओके, इसको बी तो पूरा मिला है, इसको बी, तो यहाँ से ये लाके एक नॉट गेट के साथ में यहाँ क्या देंगे इसको, ए। तो इसको यहाँ क्या मिल रहा है, इधर से ए बार, क्योंकि ए आया पूरा, नॉट आगे लग गया गेट, इस नॉट गेट ने इसको क्या कह दिया, ए बार। अब देखो इसका बाई वन, ये एंड गेट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देगा, ए बी बार। इसका बाई टू बराबर कितना होगा, देखो इधर मिला ए बार और उसकी मल्टीप्लाई करा देगा बी से, इन दोनों के बीच में और बाई वन प्लस बाई टू। तो बाई वन कितना है, ए डॉट बी, और ये कितना है, ए बार, वो सॉरी ये केवल इतना है ये। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसका ए बी, और इसको सर्कल में बंद करके लिखते हैं, अगर कभी ऐसे सर्कल में रखा हुआ है तो इसको ऐसे खोलना है, ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, इसके अब इसकी ट्रुथ टेबल देखो, ये भी ऐसे यहाँ देखने में अच्छा लगेगा, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे मोड़ देंगे, तो इसको इसको दूसरे तरीके से भी एक बना देते हैं, कितना बढ़िया बनेगा देखो, ये इनको तो ऐसे ही जोड़ना है, थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो ये ऐसे बना देते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर पर मोड़ के, ये बाई बराबर वही रहेगा, बाई वन प्लस बाई टू। अब यहाँ पर ये पूरा चैनल ए लिया और इसके बीच में हमने एक नॉट गेट लगा दिया, ये एक चैनल हमने ये बी लिया और इसके साथ में हमने एक नॉट गेट यहाँ पर ये लगा दिया, ये इसको ए देना है, ए दे दिया, और क्या देना है, बी नॉट, तो यहां से नीचे से लाके बी नॉट दे दिया, इसको देना है ए नॉट, तो ए नॉट यहां से मिल जाएगा, इसको ए नॉट यहां से दे दिया, और बी यहां से डायरेक्ट जोड़ दो, तो देखो इसको क्या क्या मिल रहा है, ए और यहां से बी नॉट, इसको क्या क्या मिल रहा है, ए नॉट तो यहां से मिल गया और बी ये आ गया, ओ सॉरी ये ऐसे जाना था, बी, तो यहाँ पर इसको ये मिल जाएगा, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, जैसे ये ए आया था, एक नॉट गेट लगा दिया था, तो यहाँ पर इतना क्या है इसका, ए नॉट, ये पूरा सिग्नल बी का है, ये करंट है कुछ भी है पूरा बी का सिग्नल है, और ये नॉट गेट लगाया तो यहाँ आ गया बी नॉट, ये एंड गेट, ये एंड गेट और ये और गेट, इनको जोड़ना है केवल, ये ए से लाके ऐसे और बी का ये ऐसे। अब इसको क्या देना है, बी का तो पहले ए का नॉट देना है, तो ए का नॉट यहाँ से ले जाएंगे, अरे फिर से लगे ये, और बी का पूरा सिग्नल देना है ये, तो बी और ये क्या हो गया, ए नॉट, इसका ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं ये, तो फाइनली ये मिल जाएगा ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी। अब इसकी ट्रुथ टेबल, ये बी 0011 1, वो सॉरी 0101 यहाँ पे। अब इनको चाहो तो दो तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में बना दो या यहीं खत्म कर दो। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर दो, पहले दो ये जीरो, ए की जगह जीरो डॉट बी की जगह जीरो, तो जीरो का बार वन प्लस ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ है, जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ है, तो यहाँ कैसा आ जाएगा फाइनली जीरो। अब ए की जगह है जीरो, बी की जगह वन प्लस ए बार यानी जीरो का बार डॉट बी की जगह कितना है वन, देखो जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो ये तो हो गया जीरो प्लस जीरो का वन
डॉट वन, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, तो बराबर आ गया वन। ऐसे ही ये वन जीरो, अब ए की जगह तो है वन, बी की जगह जीरो, तो जीरो का बार प्लस ए की जगह वन, बी की जगह जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो ये तो हो गया जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट यानी बार वन, वन वन और वन की मल्टीप्लाई वन। अब ए की जगह रखेंगे वन, बी की जगह वन का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए की जगह वन का कॉम्प्लीमेंट वन। अब देखो ये एक जैसे हैं, अभी हमने लिखा था ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा जीरो आएगा, तो वन और वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो आएगा, और करके भी देख लो वन वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो जीरो की इनकी मल्टीप्लाई होगी तो कैसा हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ भी जीरो हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा जीरो, यानी जब ये दोनों एक जैसे हैं तब जीरो 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 वन वन पे जीरो, अगर अपोजिट हैं तो वन, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव और गेट। अब जैसे हमने बोला था यूनिवर्सल गेट होते हैं एंड नैंड गेट है हमारा, नैंड गेट, नैंड गेट से मान लो हमें नॉट गेट बनाना है पहले, नैंड गेट से क्या बनाना है नॉट गेट, तो नैंड गेट बनाओ ये आ गया। अब नॉट गेट में एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, तो इसके लिए इनपुट एक चाहिए, इनपुट कैसा चाहिए एक, तो ये ए दिया इसको, और जो बी देना था उसको ए से ही जोड़ दिया, तो इसका मतलब अब यहाँ भी ए मिल रहा है इसको, जो दो तार निकले होते हैं ऐसे इसके, ये इसको ए देते हैं बी, ए और बी इसमें एक ही सिग्नल होता है, तो एक ही सिग्नल के लिए क्या काम करें इस तार को इसे यही जोड़ दें, तो बी और ए दोनों बराबर हो जाएंगे, और ए मिलेंगे तो फिर एक ही रह जाएगा ए, और तो बचेगा नहीं, फिर ए और ए टू ए नहीं होगा क्योंकि दो तो होता नहीं है ना इसमें, तो सीधे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा पूरा। अब इसका जो बाई होता है वो क्या होता है ए डॉट बी का बार, तो ए डॉट ए का बार, और ए डॉट ए होता है हमेशा, ए डॉट ए हमेशा क्या होगा ए होगा, या बी डॉट बी हमेशा क्या होगा बी, देखो क्योंकि जीरो डॉट जीरो जीरो, वन डॉट वन वन, दोनों एक जैसे होते हैं तो वो वही दे देते हैं जो पुराना है, तो ए डॉट ए क्या हो गया ए, ऊपर बार लगा है, यही तो नॉट गेट होता है, ए दो नॉट गेट को तो वो कितना दे देता है बाई बराबर ए बार, तो ये नैंड गेट से क्या हो गया नॉट गेट हो गया। अगर हम नैंड गेट से बनाना चाहें एंड गेट, नैंड गेट से क्या बनाना चाहें एंड गेट, तो देखो कैसे बनेगा ये नैंड गेट से एंड गेट अगर हमें बनाना है तो, नैंड गेट से एंड गेट के लिए क्या बनाना चाहिए इसमें, से मान लो हमें पहले और बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं और, तो ये ए इसका, और इसको यहाँ पर हमने ये दे दिया ए सिग्नल, और ये इसको बी दिया तो ये बी हो जाएगा, अब यहाँ पर इसका बनेगा बाई वन, और ये क्या मिलेगा बाई टू, अब बाई टू ये तो एक नॉट गेट की भांति व्यवहार कर देगा, तो नॉट गेट की भांति व्यवहार करेगा तो हमें मिलेगा ए बार, और यहाँ क्या मिलेगा बी बार। ओके अब इसको हमने क्या काम किया, हमें केवल नैंड गेट यूज करना है, तो एक हमने वो नैंड गेट का सिंबल ही रह गया ये, अब हमने नैंड गेट के इसको लाके यहाँ जोड़ दिया, इसको लाके
ये बाई वन बराबर ए और बाई टू बराबर ये। अब इसके जो फाइनल बाई मिलेगा वो होगा बाई वन डॉट बाई टू का बार, जो नैंड गेट होता है। अब देखो बाई वन की वैल्यू है ए बार डॉट, ये कितना है बी बार। ये अगर हम इसको देखें तो ये अभी हमने एक चीज लिखी थी ए बार डॉट बी बार बराबर होगा ए प्लस बी का बार, पीछे डिवाइवर थ्योरम में लिखा था। ये ए डॉट बी का बार ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का पूरे का बार ए बार डॉट बी बार। तो देखो हमारे पास क्या है, ये है इतनी चीज है ये इस अंदर वाली, तो ये यही वाली तो है ये, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार। तो ऊपर वाला बार ऐसा ही, इसके लिए नीचे को लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार। अब एक बार दूसरे को खत्म कर देता है पूरी एक क्वांटिटी के ऊपर, ए प्लस बी के ऊपर दो बार हैं तो ये खत्म हो जाएंगे, क्या बचा ए प्लस बी। तो ये हो गया नैंड गेट से और गेट। अगर हम नैंड से एंड बनाएंगे तो ये थोड़ा सिंपल है, इसको बनाना कैसे बन जाएगा। ये हमने लिया नैंड गेट ए और बी, अब इसके आगे बबल लगाया, ये यहाँ दे देगा बाई वन बराबर, कितना दे दिया इसने ए डॉट बी का बार। अब इसके आगे नॉट लगा दें तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें बोला गया है केवल नैंड की सहायता से बनाना है, नॉट नहीं लगाना है। तो इसीलिए हमने नैंड से पहले नॉट बना लिया, ताकि अगर हम ऐसा जोड़ें तो ये नॉट गेट की भांति व्यवहार करता है। तो हमने क्या काम किया, ये नैंड गेट लगाया आगे, इसको सिग्नल यहाँ दिया, और इसका दूसरा वाला तार भी इसी से जोड़ दिया। तो ये जो यहाँ पर देगा बाई, वो क्या देगा बाई वन का बार, और बाई वन का बार देगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी के बार का बार। तो ये एक दूसरे के ऊपर है पूरी एक क्वांटिटी के ऊपर, तो ये खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो ये हमारा नैंड गेट से एंड गेट। ऐसे ही अगर हम नॉर से नॉर गेट से बनाएं, ठीक है, नॉर गेट से क्या बनाएं, मान लो पहले हम बनाएंगे नॉट से नॉट, ठीक है, तो नॉर गेट, नॉट में एक सिग्नल होता है तो इसमें भी एक सिग्नल होगा ए, और इसको हमने यहाँ जोड़ दिया ए। अब देखो इसका जो बाई होता है वो होता है ए प्लस बी का बार। तो देखो ए प्लस दूसरा बी की जगह क्या है ए है बराबर, ये हो जाएगा ए का बार। क्यों, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो प्लस वो सॉरी वन प्लस वन वन, तो एक जैसे अगर जोड़ते हैं तो ए प्लस ए बराबर ए, और बी प्लस बी बराबर बी। तो ये एक तरीके से नॉर गेट को सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट भी किसकी तरह व्यवहार करता है, नॉट गेट की तरह, सिंगल निवेशी नॉर या नैंड कोई भी हो वो नॉट गेट होता है, वो क्या होता है नॉट गेट। ओके अच्छा, अब दूसरा हमें इससे बनाना है और गेट, नॉट गेट से क्या बनाना है और गेट। अब नॉट गेट से अगर हमें और गेट बनाना है तो कैसे बनेगा, ये नॉट से और बनाने के लिए ये ए और ये बी, यहाँ बबल लगा दिया, ये बन गया नॉर गेट। ओके अब ये जो नॉर गेट बना, यहाँ इसका ये आ जाएगा बाई वन। अब ये बाई वन जो आया होगा वो कितना आया होगा ए प्लस बी का बार। अब ये बार हटाना है तो और गेट तैयार हो जाएगा, बार हटाने के लिए आगे नॉट लगा दें तो, लेकिन नॉट गेट की जगह हमें लगाना नहीं है क्योंकि हमें बोला जाएगा कि नॉर गेट से और गेट बनाओ, और कोई गेट यूज नहीं करना है। तो नॉट गेट की तरह हम इसको ऐसे रूप में ले सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरा बनाया हमने
इसका एक तार ये जोड़ दिया। अब इसका जो ए पहला इनपुट तो ये हो गया, इसका ए की जगह इसके लिए ए का काम करेगा, बी के लिए इसी तार से जोड़ देना है। तो देखो ये इसके लिए फाइनल बाई बराबर क्या मिल रहा है, बाई वन मिल रहा है। यहाँ पर क्या जा रहा है, बाई वन, बाई वन और उसका कॉम्प्लीमेंट ये, ठीक है। अब ये बाई, इसके बाई वन की वैल्यू है ए प्लस बी का बार, और ऊपर एक बार यहाँ वाला है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ला इसका एंड गेट, एंड गेट के लिए जैसे हमने इसको दो यहाँ नैंड इससे और बनाने के लिए दो जोड़े थे, वैसे ही यहाँ पर हम ये जोड़ देंगे, ये नॉर गेट, ये भी नॉर गेट, ये आउटपुट इसको दिया ए, और इसका दूसरा बी भी ए रखा, अब इसको बी दिया यहाँ, और इसका दूसरा इनपुट वही रखा। अब यहाँ बाई वन ये उसका उल्टा कर देगा ए बार, यहाँ बाई टू ये इसका उल्टा कर देगा बी बार, इसको नॉर गेट से यहाँ से जोड़ दिया यहाँ पर। अब इसे कौन कौन मिल रहा है, बाई वन, ये बूलियन व्यंजक वाले तो बाद में लगाते हैं, ये इनके लिए ए और बी चाहिए होते हैं। ए की जगह कौन आ रहा है, बाई वन, और बी की जगह कौन आ रहा है, बाई टू। तो ये हो जाएगा फाइनल बाई बराबर बाई वन प्लस बाई टू का बार, इतना। ये नॉर गेट है, नॉर गेट में यहाँ बाई वन है और यहाँ क्या है, बाई टू। तो नॉर गेट का फार्मूला ए प्लस बी का बार, तो ए की जगह है बाई वन, बी की जगह है बाई टू। अब वैल्यू लगा देंगे बाई वन और बाई टू की, ये है ए प्लस बी का बार, ओके। अब देखो इसमें ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, ए प्लस बी का बार, एक जगह हमने अभी लिखा था पीछे डिमाइवर थ्योरम में, ए प्लस बी का बार, तो ये क्या है, ये बन जाएगा पूरा ये क्वांटिटी। तो इसको ऊपर वाला बार ऐसा ही, ए डॉट बी पूरे का बार, अब दोनों बार ये कैंसिल हो गए, तो ये बन गया ए डॉट बी, और ये किसका होता है, एंड गेट का। तो ये हमने बना लिया नॉर गेट से एंड गेट, ओके। अब कुछ इसके जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि उन्होंने पूछा कि कौन सा गेट है। एक बात जैसे मान लो ये गेट है एक, भी और यहाँ उन्होंने लगाया एक और गेट, और इसको इससे जोड़ दिया, और इसको लाके यहाँ जोड़ दिया, यहाँ लिया और यहाँ पर दोनों का एंड गेट लगा दिया। अब उन्होंने कहा इसका बूलियन व्यंजक बताइए क्या होगा, पहला गेट है ये वन, ये दूसरा गेट और ये तीसरा गेट। पहले पहले गेट के लिए देखो क्या है, एंड गेट है, सिंपल पता चल रहा है, इसको ए मिल रहा है और डायरेक्ट बी मिल रहा है, तो इसका यहाँ बाई वन लिख देंगे, बाई वन इसका कितना होगा, ए डॉट बी, ओके। सिंपल पता चल रहा है ये और गेट है, और गेट का आउटपुट यहाँ आई टू, और गेट का फार्मूला होता है ए प्लस बी। अब देखो इसको कौन कौन मिल रहा है, ए यहाँ से मिल रहा है, बी यहाँ से मिल रहा है, सीधे सीधे कुछ है, कुछ और बदला ही नहीं है उन्होंने, तो ए प्लस बी। अब इसको ये एंड गेट है, अब इसको दो मिल रहे हैं बाई वन और बाई टू, तो एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, जैसे इसने ए और बी मिले थे तो ए और बी की मल्टीप्लाई की, तो इसने बाई वन और बाई टू की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो बाई बराबर है बाई वन डॉट बाई टू, बाई बराबर बाई वन की वैल्यू ए डॉट बी और बाई टू की वैल्यू ए प्लस बी, ओके। अब ए की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ए डॉट बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी डॉट बी, ये हो जाएगा। अब देखो ए डॉट ए, ये ए हो जाएगा क्योंकि वन डॉट वन वन और जीरो डॉट जीरो जीरो, तो ए डॉट ए कैसा रहता है, ए रहता है, तो ये तो हो गया पूरा ए डॉट बी।
अब बी डॉट बी कैसा होता है, बी तो ए डॉट बी, ये पूरा बी बन गया। अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस ए बराबर ए होता है, बी प्लस बी बराबर बी, और होते क्यों हो ये, क्योंकि 0 प्लस 0 एक जैसे जोड़े तो 0 देता है, 1 प्लस 1 एक जैसे जोड़े तो 1 दे देता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू जो भी आएगी वो एक जैसी आ जाएगी, तो बाई बराबर हो गया ए डॉट बी। फाइनली क्या मिल गया, ए डॉट बी, और ये किसका फार्मूला है, अंतिम एंड गेट का। तो ये पूरा इतना बड़ा सिस्टम मिलके किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एंड गेट की भांति। तो इसकी सत्यता सारणी बनानी हो, बनाने के लिए आएगी तो कैसे बनाएंगे, पहले ए फिर बी, 0 0 1 1 0 1 0 1, ओके, और फाइनली बाई। तो बाई इसका, अब इसको दो तरीके हैं बनाने के, या तो बाई वन और बाई टू की टर्म में बना दो सारणी, तो बाई वन बनाएंगे तो ए डॉट बी आ रही है यहाँ पर, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी मतलब 0 0 0 1, इनकी गुणा करके लिख देंगे। बाई टू है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को 0 0 प्लस 1, इसको मत जोड़ देना बीच में क्योंकि ये तो अलग है, बाई बराबर है ए प्लस बी, इन दोनों को देख के 1 1 1। अब फाइनल जो बाई है वो कितना है, ए डॉट बी, या बाई वन और बाई टू का मल्टीप्लीकेशन भी है, ये यहाँ से भी कर सकते हो, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1, या यहाँ से भी कर सकते थे 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। और अगर ये दोनों बीच के ना बनाओ तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमने फाइनल फार्मूला तो निकाल ही लिया ना, कि ए बाई बराबर कितना आ गया, ए भी आ गया। ऐसे ही मान लो अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल इसका ले लें, कि ऐसे बना दिया उन्होंने, ये कुछ, और यहाँ उन्होंने ये लगा दिया ए, ये कुछ, और यहाँ पे उन्होंने एक और फिर लगा दिया ये, और यहाँ लिख दिया उन्होंने 1, ठीक है, और यहाँ लिख दिया उन्होंने ए, और यहाँ लिख दिया बी, और इसको ऐसे जोड़ दिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखो यहाँ इसका एक गेट है, ये बाई वन, एक गेट है इसका यहाँ बाई टू, उनके आगे और लगा हुआ है, तो यहाँ मिलेगा क्या, बाई वन डॉट वो सॉरी प्लस बाई टू, ये और गेट है, और गेट के लिए एक बाई वन मिल रहा है, ये तो और गेट का बाई बराबर ए प्लस बी होता है, ए की जगह यहाँ कौन आ रहा है, बाई वन बी की जगह आ रहा है बाई टू, तो बाई वन प्लस बाई टू। अब बाई वन देखना है हमें, बाई वन एक है ये नैंड गेट, ये क्या है नैंड गेट, तो बाई वन कितना होगा, नैंड गेट का फार्मूला होता है ए डॉट बी का बार। अब बी हमेशा कैसा है, वन है, बी हमेशा कैसा है, वन है, तो वन बी की जगह लगाएंगे वन, ए डॉट वन, ए की वन से डॉट करेंगे तो ए आ जाएगा, तो यहाँ आ गया ए बार, ये कैसा आ गया ए बार। अब यहाँ वो बी भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम बी नहीं, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि ये वाला तार हमेशा एक पे रहेगा, ये वाला पॉइंट हमेशा कैसा रहेगा, एक पे, इसका 0 होने का सवाल ही नहीं है, अब वो तुम देख लो कैसा आएगा फिर। तो देखो उन्होंने क्या काम किया यहाँ पर, ये ए डॉट बी का बार, ए की जगह ए है, बी की जगह वन लगा दिया, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ए की जगह ए है, बी की जगह वन है, तो ये आ गया, इसके लिए ये सिंपल एंड गेट है, दो इनपुट हैं, तो बाई बराबर ए डॉट बी। अब देखो इसमें बाई वन की जगह लिखेंगे ए बार, प्लस बाई टू की जगह ए डॉट बी, ये हो गया इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, बूलियन व्यंजक। इसमें और तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, और कुछ इसमें सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम इसको केवल इतने पर ही छोड़ देंगे, ए बार प्लस ए डॉट बी, या कुछ कर सकते हैं इसके लिए, इसको अगर हम बन लिखते हैं, नहीं ठीक है, इतने पर ही इसको हम छोड़ देंगे। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखो ट्रुथ टेबल इसकी कैसी आएगी, ये ए ये बी।
अब ए की जगह 0 0 1 1 0 1 0 1, ए की जगह पहले ए बी की जगह 0 0 रखेंगे, ए की जगह 0 का बार प्लस ए की जगह क्या है 0.0, 0 का बार 1 प्लस ये 0 बन गई तो आ गया 1, y बराबर यहाँ आ गया 1। अब ए की जगह 0 रखा है, बी की जगह 1, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो 1 आ गया। अब ए की जगह 1 तो 1 का बार प्लस 1, और बी की जगह 0 तो ये दो टर्म हो गई 0 और ये 0 ए का, तो 0 प्लस 0 0। अब ए की जगह तो है 1, ए की जगह 1, और बी की जगह भी 1 हो गया इस बार, तो 1.1 ये 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 1, तो ये हो गई इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, सत्यता सारणी। अगर हम मान लो दूसरा कोई देखें, ये बी, इसको यहाँ जोड़ा और इसको उन्होंने यहाँ जोड़ दिया और आगे ये लगा दिया। अब उन्होंने बोला कि इसका यहाँ बताओ कि ये क्या है, बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी। और अगर वो पूछेंगे कौन से गेट की तरह व्यवहार कर रहा है, तो कौन से गेट की तरह व्यवहार करने के लिए या तो स्टैंडर्ड गेट का कोई फार्मूला आ जाएगा, जैसे पीछे वाले में हमने दिया था, तो ये फाइनली इतने सारे गेट लगे थे और आया था A.B, तो ये एंड गेट की तरह था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बन पाया, तो हम तो वो अगर पूछेंगे कि किस गेट की तरह है, तो वो फाइनली बन जाएगा कैसे भी। तो इसका आउटपुट यहाँ देखो, पहले तो एक गेट ये है, इसका आउटपुट यहाँ कितना है 2/1, ठीक है, ये 2 है फाइनली। अब देखो 2/1 निकालेंगे, पहले इस वाले गेट को सॉल्व कर लो 2 के लिए, 2/1 के लिए, ये है नॉर गेट, तो नॉर गेट में ए और बी 2 मिल रहे हैं इसके लिए। अब ये मत करना ये तार यहाँ से आ रहा है तो इसमें कुछ जाएगा, इसका जो बी पूरा, ये तार पूरा बी है, इससे जो भी जुड़ा होगा वो बी पे मिलेगा। तो अभी हम केवल इसके लिए बात करें, तो इसमें एक ए है और एक बी मिल रहा है, तो 2/1 बराबर हो गया ए प्लस बी का बार, आगे ये लगाए ना, तो ये नॉर गेट है। अब इसको देखो क्या क्या मिल रहा है, एक तो 2/1 आ रहा है इस तार से, एक बी आ रहा है यहाँ से, ये है नैंड गेट, नैंड गेट होता है A.B का बार, तो ए की जगह तो है 2/1 डॉट और बी की जगह है बी इसका बार, तो 2/1 बराबर 2/1 की वैल्यू लिखेंगे, A+B का बार डॉट बी और इसके पूरे का बार, ओके पूरे का बार लगा रहने दो, इसको खोल दो जरा, इसको खोलेंगे तो ये अभी हमने पीछे डिमाइवर वाले थ्योरम पे देखा था, A A+B का बार बराबर ये क्या होता है A⃗ डॉट B⃗, तो ये हो जाएगा A⃗ डॉट B⃗ डॉट B। अब देखो इतनी चीज, ये B⃗ डॉट B अभी बताया था पीछे वाले पेज में, ये क्या होता है, वो सॉरी इस पर लग गया, बराबर 0 होता है, क्योंकि B की जगह 1 रखेंगे तो 1.1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, तो ये 0 आएगा, अगर बी की जगह 0 रखें तो 0.1, तो ये वो सॉरी क्या लिख दिया, 0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, तो बी डॉट ई हमेशा क्या होता है 0, तो ये हो गया A⃗ डॉट 0। अब 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर लग गया बार, तो ये हमेशा का है क्या आएगा 1, ये कुछ नहीं आएगा इनमें से किसी को भी कुछ दे लो, हमेशा ये कैसा रहेगा 1 पर रहेगा, कैसा रहेगा 1 पर। तो इसकी सत्यता सारणी में यहाँ हमें यहाँ ए बी बनाएंगे और बाइक में हर एक में कैसा करेंगे 1 1 1 1, ये इसकी सत्यता सारणी हो जाएगी। ओके तो ये अच्छा से नहीं बनना, ये एक और बना के देखते हैं, एक ये ए बी और यहाँ पर एक लिया एंड गेट, तो एक इसको यहाँ से जोड़ दिया और एक यहाँ से लाए
नॉट गेट लगाया या जोड़ दिया ये, और यहाँ से आगे एक एंड गेट लगाया और यहाँ से लाके एंड गेट को यहाँ जोड़ दिया। अब उन्होंने कहा इसको गेट को बताओ क्या होगा। ओके अब देखो यहाँ 3 गेट है, 1 2 3, और एक नॉट यहाँ लगा है 4। और मैं एक और गेट और जोड़ दूँ कहीं का यहाँ पर? चलो पहले बात इसको सॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे। इस गेट के लिए देखो यहाँ 2x1 मिलेगा। ओके और यहाँ मिलेगा ये कुछ 2x2। ओके और इस गेट का यहाँ आ जाएगा 2x3। अब देखो पहले इस गेट से क्या निकलेगा, ए और बी एंड गेट है सिंपल, तो 2x1 बराबर सॉरी ए डॉट बी। यहाँ ये ए आ रहा है इससे, ए से आगे नॉट लगाया तो यहाँ ए का नॉट मिलेगा 2x2। क्या मिलेगा? ए का नॉट। अब इसको 2x3 एंड गेट है, एंड गेट का ये डॉट करेगा तो एक तो मिला 2x1 डॉट, और क्या मिला 2x2 ये यहाँ पर ये। ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 2x3 को, तो 2x3 है 2x1 डॉट 2x2। 2x1 की वैल्यू कितनी है? ए डॉट बी डॉट 2x2 की वैल्यू ए। ठीक है तो ए डॉट बी डॉट ए, इन दोनों को जरा साथ साथ लिख के देखो, ए डॉट b₁। ये हमेशा 0 होगा, 0.b₁, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2x3 तो हो गया 0, तो ये वाला टर्मिनल इसका ए तो हमेशा रहेगा 0, ये कैसा रहेगा 0। और इसको दूसरा कौन सा मिल रहा है? 2x1, ये है एंड गेट, तो ये 2x1 और 2x3 की मल्टीप्लाई कराएगा 2x1.2x3। 2x1 कितना है? 2x1 कितना है? 2x1 की वैल्यू है ए डॉट बी, और 2x3 कितना आया है? 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0 हमेशा। इसकी ट्रुथ टेबल हमेशा कैसी रहेगी? ये ए बी 0011 0101 बाई हमेशा 0 रहेगा, ये हमेशा 0 रहेगा। अब देखो कोई और गेट बना लेते हैं, ये ए है, इसको तो मैं हैं जोड़ लूँ, और ये क्या है? बी है। इसको इधर बना लेते हैं, इसको तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसको ये यहाँ दे दिया, ये ए है ये बी है, लो इसमें बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ बताओ क्या ड्रामा आएगा। अब देखो ये ए है बी है, ये है एंड गेट, और एंड गेट में इसका ए ये है तो देखो यहाँ मिला इसका 2x1 बराबर, एंड गेट का होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट ए बी की जगह ए है तो ए डॉट ए हो गया ए। ओके अब इसको देखो ये एंड गेट है 2x2, इसको एक तो ए मिल रहा है एक बी मिल रहा है, तो ये हो गया ए डॉट बी।
अब ये है नैंड गेट, नैंड गेट ये है बाइथरी। बाइथरी क्या काम करता है? नैंड गेट, नैंड गेट का होता है ए डॉट बी के ऊपर नॉट, तो ए की जगह तो यहाँ मिल रहा है इसको बाई वन, बाई वन। नैंड ये सिंगल इनपुट का है, उसी तार से जुड़ा हुआ है, तो वो उसे जो मिलता है उसके ऊपर वो बार लगा देता है सिंपल, जैसे जो नैंड गेट होता है ना ये ऐसे वाला, तो उसको जो ए मिलता है यहाँ तो वहां निकालता है, वो ए का बार लगा देता है। देखो उसको कितना मिल रहा है, बाई वन, बाई वन के ऊपर बार लगा देगा ये, और बाई वन की वैल्यू कितनी है ए, तो इसको यहाँ आ गया ए बार। ऐसे ही है, देखो ये है और गेट, तो और गेट में अब ये नॉर नहीं है कि यहाँ वाले के ऊपर बार लगा दे, ये केवल और गेट है। और गेट का क्या होता है, बाई बराबर ए प्लस बी, यानी ये जोड़ देता है। अब इसको बाई टू मिल रहा है, और ए की वैल्यू भी बाई टू है, बी की वैल्यू भी बाई टू है, तो जो यहाँ पर मिलेगा इसके लिए बाई फोर, वो कितना होगा, बाई टू प्लस बाई टू। और जो बाई टू प्लस बाई टू है तो दोनों एक जैसे होते हैं, तो ये अकेला बच जाता है बाई टू, तो बाई फोर की वैल्यू हो गई ए डॉट बी यहाँ पर, ओके। क्योंकि ए प्लस ए बराबर ए होता है ना, तो बाई टू प्लस बाई टू होगा, और ये होगा देखो। अब ये है और गेट, और गेट गेट में आ रहा है बाई थ्री और आ रहा है बाई फोर, तो यहाँ मिलेगा बाई फाइव। बाई फाइव ये क्या काम करेगा, बाई थ्री और बाई फोर को जोड़ेगा, बाई थ्री प्लस बाई फोर। और ये इसके आगे इसको मिल रहा है, ये नॉट गेट लगा है, इसको मिल रहा है बाई फाइव, तो ये क्या काम करेगा, बाई फाइव के ऊपर बार लगा देगा। नॉट का काम बार लगाना होता है। अब देख लो फाइनल बाई बराबर कितना है, बाई फाइव का बार बराबर, बाई फाइव कितना है, बाई थ्री प्लस बाई फोर का बार। अब बाई थ्री की वैल्यू देखो कितनी है, ए बार, ऊपर वाला बार ये है ए बार, प्लस बाई फोर की वैल्यू ये है ए डॉट बी, ओके। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर यहाँ हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये होता है ए प्लस बी का बार बराबर ए बार डॉट बी बार, ओके। तो देखो ए की जगह तो ये है और बी की जगह पूरा ये है, तो ए बार के ऊपर बार डॉट ए डॉट बी के ऊपर बार, ये तो हो गया ए, बार से बार कैंसिल, ए डॉट ए डॉट बी का बार, ये हो गया ए प्लस ए डॉट बी का बार। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का बार, और ए डॉट बी का बार, तो ए डॉट आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए डॉट बी को ये लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बार प्लस बी बार ये। अब देखो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बार, ए डॉट ए ये हमेशा जीरो होगा, ए डॉट बी बार, तो फाइनली क्या बचा, ए डॉट बी बार ये यहाँ पर, ए डॉट बी बार। और इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे, ए बी वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू 0 रखेंगे, अब यहाँ कुछ भी आए तो वो 0 ही आ जाएगा गुणा में, ए की वैल्यू फिर 0 है तो यहाँ कुछ भी आए फिर 0 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का बार 1 और 0 का बार 1, तो 1 डॉट 1 1। अब ए की वैल्यू है 1 डॉट बी की वैल्यू 1 का बार, तो 1 डॉट 0 बराबर कितना हो गया 0, ये हो गई इसकी सत्यता सारणी। ओके थैंक यू।